नमस्कार दोस्तों, कोमल नाहटा ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ बनने वाले हैं पीवीआर ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन मिस्टर अजय बिजली। सिनेमा इंडस्ट्री बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, जैसे कि पूरी इंडिया गुजर रही है, तो हमने सोचा क्यों ना पीवीआर ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन से बात की जाए, क्योंकि पीवीआर इज द सिंगल लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स चेन इन इंडिया। सो लेट्स वेलकम अजय बिजली। अजय जी, आपका स्वागत है कोमल नाहटा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। थैंक यू कोमल फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपको बहुत सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे टेलीविजन शो पर भी लाने की और यहाँ पर भी लाने की, लेकिन आज पॉसिबल हो गया, सो थैंक यू। बिल्कुल, आज का माहौल ही ऐसा कि मतलब आदमी को रियलाइज होता है कि वन हैज टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट एंड बी you know, responsive to friends like you, well wishers of the industry like you. Thank you. Ajay ji, बहुत ही बुरा समय चल रहा है, तो इस समय में आपने क्या-क्या introspect किया और क्या-क्या सोच रहे हैं आने वाले दिनों के लिए? Actually, Komal, ये एक ऐसा you know, pandemic, ऐसा एक you know, situation हुई है, which is highly extraordinary. तो कोई इसके लिए प्लानिंग कर नहीं सकता। मैं तो सिर्फ एक कंपनी चलाता हूँ और पीवीआर, बट अदरवाइज वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज चला रहे हैं, जितने इतने लोग हैं, इकोनॉमीज को बैलेंस करके रखना है, वो भी इसको एंटिसिपेट नहीं कर पाए। तो ये एक ऐसी एक चीज़ है कि जो जितनी मर्जी तुम प्लानिंग कर लो, आप ऑक्यूपेंसीज के लिए प्लानिंग कर सकते हो कि भाई इस महीना पिक्चरें अगर नहीं चली थोड़ी सी या कम हो गए तो आपका बिजनेस कम हो गया, and therefore so you can plan for some volatility in your business, but you cannot plan for lockdown, complete lockdown. To matlab ye kabhi aadmi soch bhi nahi sakta tha ki ekdam lockdown ho jayega. At the same time bahut clear hai ki lockdown kyon hua hamare liye, because social distancing important hai aur cinema ghar ek aisi jagah hai jahan par bahut sare log ikatthe hote hain. To I think aadmi ko do hats pehnni hoti hain. Ek hat hoti hai apne businessman ki aur ek as a human being. So I think humanity has taken a much bigger precedence over anything else just now, because humko sabko bhulna padega ki hum ek kaam kar rahe hain, dhanda kar rahe hain. Humko ye sochna padega ki humanity ke liye hum kya kar sakte hain. To ek bahut choti si contribution hai hamari jisme hum hurt kar rahe hain kafi zyada, lekin jo humne cinemas ko jo band kiya hai taki log jo hain, jo government ka medical experts ka, epidemiologists ka, virologists ka, sare scientists ka yahi kehna hai कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे तो उससे ये जो जो आजकल वर्ड यूज हो रहा है, कर्व फ्लैटन हो जाएगा और ये डिजीज जो है बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं करेगी। तो वो हमने कर दिया, लेकिन इसका जो बेसिकली मुझे लगता है कि इंडस्ट्री काफी बैडली हिट होगी, बिकॉज वी वर द फर्स्ट वंस टू गेट क्लोज्ड फ्रॉम 6 मार्च टू 15 मार्च सारे सिनेमा बंद हो गए पूरे इंडिया में, एक एक करके स्टेट गवर्नमेंट्स में। और मुझे इस चीज का भी लगता है कि विल बी द लास्ट वंस टू ओपन आल्सो। मुझे लगता है बाकी धीरे धीरे सारी चीजें खुलती रहेंगी, और अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि हम लास्ट वंस होंगे खुलने के लिए, बिकॉज जैसे मैंने बोला हमारा बिजनेस ही ऐसा है जिसमें लोग कॉन्ग्रीगेट करते हैं। तो प्लानिंग कोमल यही कर रहे हैं कि बेसिकली हमारी कोई फिक्स कॉस्ट हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे 15,000 लोग काम करते हैं पीवीआर में, हमको उनका भी ध्यान रखना है। हमारे सीनियर मैनेजमेंट ने 50% सैलरी कट किया है, वो बहुत बड़ी चीज है, उससे काफी फर्क पड़ा है। हम सारे लैंडलॉर्ड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये फोर्स मेजर है, ये इट्स एन एक्ट ऑफ विच इज बियॉन्ड आर कंट्रोल, अदरवाइज वी बीन वेरी गुड टेनेंट्स। हमने सबको हमेशा रेंट पे किया, टाइम से पे किया, एक अच्छे तरीके से सिनेमा को चलाया। तो लेकिन उनको हमने रिक्वेस्ट किया है कि ये फोर्स मेजर क्लॉज है, तो लॉकडाउन पीरियड में हमें रेंट ना चार्ज करें। तो जितने हमारे खर्चे हैं हमने बाय 2/3 अपने खर्चे कम कर दिए हैं, और हमारे जो भी महीने का खर्चा था 1/3 बचाया और 2/3 हमने खत्म कर दिया है। लेकिन गॉड विद द ग्रेस ऑफ गॉड कंपनी स्ट्रांग है, 94 से एस्टैब्लिश्ड है, तो हमारे पास कैश फ्लोज हैं, रिजर्व्स हैं थोड़े महीने चलने के लिए। लेकिन अगर ये महीने बहुत लंबे हो गए तो फिर ये दुविधा ज्यादा बड़ी हो जाएगी मुझे लगता है। आपने कहा लैंडलॉर्ड से आपने रिक्वेस्ट किया है फोर्स मेजर क्लॉज को इन्वोक करके, तो सारे लैंडलॉर्ड्स ने एग्री किया है या अभी निगोशिएशंस चलेंगे? अभी चलेंगी, अभी तो सारे अपना घर को मतलब पूरा कर रहे हैं ना, एवरीबडी ट्राइंग टू ब्रिंग द होल हाउस इन ऑर्डर। सो आई थिंक कई लोग हैं जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और वेवर कर दिया सीधा, क्योंकि उसमें सिर्फ हम ही नहीं है, उसमें रेस्टोरेंट एसोसिएशन भी है, रिटेल एसोसिएशन भी है,
तो बाय गवर्नमेंट ऑर्डर जो है हमको जो बंद करने को बोला गया है, तो कई लोगों ने ये सिंपैथेटिक व्यू लिया है कि भाई ये बिल्कुल जायज है, और कई लोग हैं जो शायद डिस्प्यूट करेंगे इसको, लेकिन हमारी नेचर पीवीआर की शुरू से कॉन्फ्रंटेशन नहीं रही है, तो हम उनके साथ बैठेंगे, कुछ समझौता करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा समाधान निकले जो सबके लिए काम करे, बट अभी तो रेवेन्यू बिल्कुल जीरो है एंड और तो इसलिए हमें तो जितनी हेल्प मिल सकती है मिले अच्छा रहेगा। जब सिनेमास खुलेंगे, जब भी खुलेंगे, जब सिनेमास खुलेंगे, कुछ सोच विचार किया है कि किस प्रकार से सिनेमास खुलेंगे, और आप क्या चाइना का एग्जाम्पल क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि चाइना में सिनेमास सबसे पहले खुले हैं? तो कोमल, चाइना में खुले थे 500 स्क्रीन्स खुले थे, और लेकिन फिर बंद हो गए हैं दोबारा, क्योंकि उन्होंने पुरानी पिक्चरें चलाई थी। तो मुझे तो बेसिक, मुझे 30 साल हो गए काम करते हुए, तो बेसिक्स यही है कि अगर हम सिनेमा खोलेंगे, मैं सोच रहा हूँ आपकी उम्र 30 साल है वो लाइटिंग ऐसी है मेरे ख्याल में मैंने पर कर लिया थोड़ा, आमिर से बात कर ली थी चाइना के फिर से बंद हो गए बिकॉज उन्होंने पुरानी पिक्चरें चलाई थी। तो मेरे तो यही रिक्वेस्ट है, दो तीन चीजें हैं जिससे लोग दोबारा आएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग तो जरूरी जरूर होगी मेरे ख्याल में। कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने, महाराष्ट्र ने भी हमसे गाइडलाइंस मांगी हैं कि जब अगर हम खोलेंगे तो किस तरीके से खोलेंगे। तो ऑब्वियसली हम काफी चीजें सोच रहे हैं कि जिसके अंदर टिकट्स जो हैं, ट्राई करेंगे बॉक्स ऑफिस से टिकट ना बिके तो वहां पर लोग के पास अपना बारकोड होगा, उससे ही आ सकते हैं। ट्राई करेंगे कि इवन इन द सिनेमा, इनसाइड द ऑडिटोरियम, हम एक रो छोड़ दें या एक सीट या दो सीट छोड़ दें, वो सब हम करेंगे, सो दैट फियर फैक्टर जो, और जो भी ट्रेपिडेशन है कंज्यूमर के दिमाग में, वो कंज्यूमर के दिमाग में नहीं होना चाहिए। डिसइंफेक्टेंट्स, हाइजीन लेवल्स, ऑल दैट वी विल ट्राई टू, मास्क, ग्लव्स, जो जो हम कर सकते हैं उस कन्फाइंड स्पेस में करेंगे। बट जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है फिल्म इंडस्ट्री। आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री को भी कन्विंस करना पड़ेगा कि वो पिक्चरें जरूर रिलीज करें, बिकॉज अगर वो पिक्चरें नहीं रिलीज करेंगे तब कोई नहीं आएगा। तो चाइना में यही हुआ, चाइना में उन्होंने सारे सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस के साथ सिनेमा खोले जो गवर्नमेंट ने उनको डिक्टेट दिया, लेकिन पिक्चरें रीरन लगाई। अब आज की डेट पे हॉटस्टार पे, नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन प्राइम पे, जितने भी चैनल्स हैं टीवी के, उस पे इतनी पुरानी पिक्चरें ऑलरेडी आ चुकी हैं, इतना कुछ आ चुका है, क्या रीजन होगा आपके लिए, मेरे लिए या लोगों के लिए बाहर जाना? मैं तभी बाहर जाऊंगा, ये तब से दिस इज बीन गोइंग ऑन फॉर 30 इयर्स। People will only get out of their comfort of their homes if the movie is brand new. If that content they can't see anywhere else. If they can see that movie somewhere else, to logon ki itni zyada frustration hogi nikalne ke liye, restlessness hogi. Hum sab abhi 3 hafte se lockdown mein hain. Hamara kitna dil kar raha hai bahar jaane ke liye. Theek hai? To imagine karo ki ye jab aur ye 1-2 hafte aur chalega, hamara bahut dil karega because hum sare log hardwired hain. Human beings are hardwired to get out and interact. And Indians, generally, all of us, when we get out, movie is our number one out of home entertainment choice. But agar movie theek nahi hogi, main jitna marzi legroom seatbelt bana lo, Dolby laga lo, digital laga lo, 4K laga lo, jo marzi kar lo, lekin ultimately jo movie hai wo nahi honi chahiye. To mujhe lagta hai ki main social distancing bhi kar dunga, guidelines bhi naye bana denge, consumer ko bhi satisfy kar denge, but ultimately film industry और हमको इकट्ठा होना पड़ेगा और चांसेस लेने पड़ेंगे नई पिक्चर दिखाने के लिए। अगला सवाल यही था कि क्या प्रोड्यूसर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे तो एक टॉप लाइन प्रोड्यूसर, मिसाल के तौर पर राधे या सूर्यवंशी, ये लोग क्या एग्री करेंगे? क्योंकि इनके कॉस्ट इतने हैवी होते हैं, इनके बजट इतने हाई होते हैं कि वो प्री सपोज करते हैं कि पहले 3 दिन या पहले सप्ताह 80% 90% ऑक्यूपेंसी हो। अब अगर आप टिकट्स की एक सीट छोड़ के एक देंगे तो वैसे ही 50% कैपेसिटी हो गई, तो क्या वो एग्री करेंगे फिल्म रिलीज करने के लिए या नहीं? मुझे लगता है कि शायद अग्री ना करें, इट विल बी एन अपहिल टास्क। मेरी अभी किसी से बात नहीं हुई बिकॉज़ इट्स टू अर्ली। कमल, यू नो कमल ज्ञानचंदानी, ही इज बीन हैविंग सम टॉक सीजन बॉम्बे ओनली, बट बिकॉज हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं सूर्यवंशी और 83 तो मुझे लगता है कि उनको शायद टाइम लगे, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको ट्राई कन्विंस करने के लिए। जितनी जल्दी नई पिक्चरें आएंगी
देखो सब सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अगर मैं अपनी 50% कैपेसिटी नहीं बेचता तो मैं भी सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, मेरे खर्चे तो सेम है। तो हर आदमी को सैक्रिफाइस करने का टाइम आ गया है। अगर वो जितनी जल्दी नई पिक्चरें स्क्रीन पे आएंगी उतनी ही जल्दी ये सिनेमा बिजनेस बाउंस बैक करेगा, जितनी लेट ये नई पिक्चरें आएंगी उतना ही लेट होगा। और मुझे लगता है कि अगर इसको हमको जल्दी से जल्दी पकड़ना है, हम सबको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे और ट्राई करना पड़ेगा। आई कैन ओनली ट्राई, आई एम ओनली वन पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन, देर आर यू नो देर आर सो मेनी अदर बिग प्रोड्यूसर्स एक्टर्स ऑल हैव टू कम टुगेदर, बट आई विल टेक इट अपॉन माई सेल्फ, I will take some help from you also. Maybe we do a very big Zoom call where we get everybody together and we try to convince ke yaar time aa gaya hai solidarity dikhane ke liye aur log to tabhi aayenge, log nahi to nahi aayenge. Ha bilkul bilkul, ye to ek baat hui. Aapne jaise kaha sanitizers, masks, jitna bhi humse banta hai hum karenge aur jo requirement hai wo karenge. To ek taraf aap apne costs bhi badhayenge, kya dusri taraf aap पब्लिक को आकर्षित करने के लिए एडमिशन रेट्स भी कम करने की सोच रहे हैं? क्योंकि दो बातें हैं। एक तो स्पेंडिंग पार, क्योंकि सबका नुकसान हो रहा है, सैलरी क्लास का भी, बिजनेस पीपल का भी, हर एक इंसान का नुकसान हो रहा है, तो एक तो उनके यहाँ स्पेंडिंग पार कम होगा, और दूसरी बात डर, फियर फैक्टर। तो स्पेंडिंग पार की कमी, फियर फैक्टर, इन सबको, इन सबसे बाहर निकलने के लिए क्या आप सिनेमा के एडमिशन रेट्स कम करने की सोच रहे हैं या नहीं? I'm totally open to it, completely open to it. But बस सिर्फ एक ही चीज आपसे मैंने बतानी थी कि 200 रुपए हमारी एवरेज टिकट प्राइस है इस वक्त पूरे इंडिया में. सो और जनरल सिनेमाज की अराउंड होगी 120-130, और भी कम है एक्चुअली, 100 से भी नीचे अगर आप सिंगल स्क्रीन को भी ऐड करें. तो लॉट ऑफ पीपल टेक द एडमिशन ऑफ अ जूहू वीकेंड और फीनिक्स वीकेंड के वो उसको वो एवरेज समझते हैं. तो एवरेज एक्चुअली इंडिया की बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमको लोगों को बाहर अंदर लाना है. मैं टोटली अंडरस्टैंड करता हूँ कि इस वक्त डिस्क्रिशनरी इनकम लोगों की सबकी कम हो गई है, सैलरीज कट हो रही हैं, बुरी हालत है. आई मीन इट इज लाइक द पैंडेमिक. सो इफ आई हैव टू ब्रिंग माय प्राइसेस डाउन, 100% आई विल ब्रिंग देम डाउन, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट आई वुड लाइक सम रिलीफ फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो. तो गवर्नमेंट ने अभी जिस तरह बाकी गवर्नमेंट्स ने काफी सपोर्ट किया फिल्म इंडस्ट्री को, अगर GST फॉर एग्जाम्पल 6 महीने टिल ओपनिंग, इसका मतलब अगर सब तो जून में खुलता है, जून 15 को खुलता है, सब गेस कर रहे हैं, कोई कहता है जून एंड में खुलेगा, कोई कहता है जून 15 में खुलेगा. लेट्स से कि वी आर द लास्ट वंस टू ओपन आफ्टर मॉल्स, आफ्टर रेस्टोरेंट, जून 15 से लेके मार्च 31 तक हमें GST का रिलीफ मिलना चाहिए. हमें अगर GST का रिलीफ मिलेगा तो जो भी 100 रुपए की टिकट है, 200 रुपए की टिकट है, उसका जो 18% अभी कट के जाता है गवर्नमेंट को, तो वो हमारे पास आ जाएगा. और वो फिल्म इंडस्ट्री एग्जिबिटर्स को भी बेनिफिट करेगा, और वो कंज्यूमर को भी बेनिफिट करेगा, और वो प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर को भी बेनिफिट करेगा. तो जितने लोग वैल्यू चेन में हैं उनको बेनिफिट करेगा. तो मुझे लगता है GST इज वन थिंग विच द गवर्नमेंट शुड डेफिनेटली डू, एंड दैट बेनिफिट कैन स्ट्रेट अवे गो टू द कंज्यूमर. मिनिमम, दैट्स अ मिनिमम बेनिफिट. वी कैन गिव मोर ऑल्सो, बट दैट इज अ मिनिमम बेनिफिट, जिससे काफी एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी. और भी बड़ी चीजें हैं जो हमने गवर्नमेंट से मांगी हैं, पर ये बहुत जरूरी है, GST हमको मिलना चाहिए. आपका मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, MAI, जिसके सारे मल्टीप्लेक्सेस मेंबर्स हैं, उस लेवल पर भी बातें चल रही? आप लोग एक दूसरे से नोट्स एक्सचेंज कर रहे हैं या काम की बातें ऑलमोस्ट स्टैंडस्टिल पर आ गई हैं? नहीं, ये कोमल, ये एक ऐसा माहौल बना हुआ है, और ये ऐसा मतलब पैंडेमिक है, और एक सिचुएशन, एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, कि सबको इकट्ठा ही आना में बेनिफिट है. तो इसमें हम इकट्ठे हैं गवर्नमेंट के पास जाने के लिए. पीयूष गोयल जी को भी लिखा, FM को भी लिखा, प्राइम मिनिस्टर जी को भी लिखा, मैं इंडिविजुअली सबने लिखा है, और MAI की तरफ से भी लिखा है, जैसे रिटेल एसोसिएशन ने लिखा है, रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने लिखा है. तो सारे एसोसिएशंस मांग रहे हैं यू नो 2-3 things इफ यू वांट टू नो. वन इज ऑफकोर्स GST डेफरमेंट, वन इज के जो मिनिमम वेजेस के एम्प्लॉयज हैं, इतने सारे एम्प्लॉयज हैं जिनको रखा हुआ है, उनको जैसे UK की गवर्नमेंट ने 80% ऑफ देयर सैलरीज are getting now basically subsidized by the government. The government is underwriting 80% as long as your salary is not more than £2,500. तो उनको दे रहे हैं. US में बहुत कुछ हो रहा है. तो एक तो अगर ये दो benefit मिल जाएं, बाकी वो electricity rates वो अलग हैं, loans मिल जाएं थोड़े, जिससे हमारा जो अभी revenue बिल्कुल zero है, अगर cash flow आता है उसी से हम काम चला सकते हैं.
तो अगर लोन्स मिल जाएं अच्छे इंटरेस्ट रेट्स पे, मॉरेटोरियम पीरियड्स मिल जाएं, तो इस तरह का अगर कुछ बेनिफिट मिल जाए, बिकॉज हम सबसे पहले थे बंद होने वाले, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, और सबसे आखिरी होंगे खुलने वाले, और बहुत विजिबल है. द फैक्ट कि फिल्म इंडस्ट्री हैज गॉट इफेक्टेड इज वेरी विजिबल, इट्स कम्प्लीटली विजिबल. इट इज नॉट दैट वी आर मेकिंग अप स्टोरीज एंड वी हैव अ कन्फाइंड स्पेस एंड वी हैव सेड ओके नो प्रॉब्लम एज अ कॉर्पोरेट सिटीजन, एज अ ह्यूमन बींग, एज अ सोशली रिस्पॉन्सिबल पर्सन. We don't mind if the government has locked us down, but please help us so that the industry doesn't collapse. Because जो भी हमारी बड़ी मुश्किल से $1.9 billion की collection हुई थी इंडिया की, जो हर हर साल 11% से बढ़ रही थी box office, वो एकदम impact हो जाएगी. वो जो सपने थे कि China की तरफ पहुंचना है या US की तरफ पहुंचना है, वो कैसे होंगे अगर cinema घर ही बंद हो जाएंगे? क्योंकि box office क्या है? Box office is an attachment to the cinema. अगर बॉक्स ऑफिस ही बंद हो गया तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहां से आएंगे? करेक्ट. और आपको ये डर है कि सिनेमास शायद बंद हो जाए, ये डर खा रहा है इन दिनों? नहीं, डिपेंड्स कितना लंबा चलता है, कितना लंबा चलता है. और वो जो मैंने अलग फैक्टर्स आपको बताए हैं कि भाई अगर बहुत चीजें हैव टू फॉल इन प्लेस, कंज्यूमर का जो क्या कहते हैं फियर फैक्टर है, कई कई लोग हैं जो फियर फैक्टर जिनका ज्यादा होगा, कईयों का कम होगा, उनको पहले संभालना है, नई पिक्चरें लानी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, डेवलपर का सपोर्ट चाहिए, ये तीन चार चीजें तो चाहिए हमें टेम्परेरीली. परमानेंटली आई एम अ बिग फैन ऑफ बिल गेट्स. परमानेंटली वही होगा कि जो बिल गेट्स कर रहा है, कि वैक्सीन मिल जाए, एक ऐसी वैक्सीन मिल जाए जिससे सबको एकदम डर खत्म हो जाए, चाहे वो 12 महीने में आए चाहे 18 महीने में आए. तब तक की हमारी जो बोट है उसके लिए हमें सहारा चाहिए, हमें कंज्यूमर से सहारा चाहिए, हमको गवर्नमेंट से सहारा चाहिए, हमें फिल्म इंडस्ट्री से सहारा चाहिए, हमें डेवलपर से सहारा चाहिए. तो अगर इस टाइम पे जब तक वैक्सीन नहीं आती, खुलने से पीरियड से और वैक्सीन के पीरियड के बीच में हमको सहारा चाहिए, और अगर हमें सहारा मिलेगा तो बेसिकली इंडस्ट्री सर्वाइव कर जाएगी. और एक बारी वैक्सीन आ जाएगी 100% कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज ये कंट्री में 1500 पिक्चरें गो थ्रू द सिस्टम, यू नो बेटर. ओके, पीपल लव मूवीज एंड पीपल एंड फिल्म इंडस्ट्री इज वेरी वेरी रोबस्ट. And it is coming out with movies after movies after movies. So लोग भी, लोगों का भी शौक है बहुत ज्यादा. मैं भी क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, पर मुझे भी क्रिकेट से ज्यादा पिक्चरें जाना पसंद है अब, क्योंकि मुझे लगता है कि पिक्चरें एक ऐसी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, विच इज टोटल एस्केपिज्म, और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है. आप घर पे बैठे हो, कितनी नेटफ्लिक्स देख लोगे? मुझे नेटफ्लिक्स से कोई, आई एम अ बिग फैन ऑफ रीड हेस्टिंग्स एज वेल, बट ह्यूमन नेचर को खुद रोक सकते हो आप. अब घर, सबके लोग, सबके पास किचन है, सबके पास होम डिलीवरी है, अब लोग जाएंगे ही जाएंगे ना रेस्टोरेंट. ह्यूमन नेचर इज नॉट हार्ड वायर्ड टू स्टे इनसाइड द होम, वी हैव टू गेट आउट. एंड व्हेन वी गेट आउट वी वांट टू सी दैट मैजिक ऑफ सिनेमा, वी वांट टू सी द, जैसे डार्क, सारे कहते हैं सिनेमास डार्क हो गए हैं, तो मेरे दिल में बहुत लगता है सिनेमास कैन नॉट बी डार्क, दे हैव टू लाइट, दे हैव टू लाइट. दैट्स एग्जैक्टली एग्जैक्टली जैसे गार्डन्स या स्कूल्स, वैसे ही सिनेमास खाली हो और कोई ना हो तो सबसे भयानक सीन होता है, क्योंकि सिनेमास, गार्डन, स्कूल्स बने ही हैं कि वो लोगों से भरे रहे. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. आखिरी सवाल अजय जी, अगर क्योंकि नंबर क्रंचिंग तो होती होगी, आपका इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी कंपनी है, अगर मैं ये पूछूं कि पिछले एक महीने में पीवीआर ग्रुप का, क्योंकि आप चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, पीवीआर ग्रुप का नुकसान कितना हुआ है, तो क्या जवाब होगा आपका? अभी तो मतलब सिर्फ कैलकुलेशन ही चल रही है, मैंने कोई ऐसा हिसाब किताब किया नहीं है, बिकॉज एज आई सेड कई चीजें सब ज्यूडिस हैं. अभी हमने नोटिसेस भेजे हैं, कई डेवलपर मानेंगे कई नहीं मानेंगे. और लेकिन एक मोटा मोटी फिगर मैं अवॉइड करना चाहता हूँ ये अभी फाइनेंशियल नंबर. एंड सीरियसली बिलीव मी कोमल, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू साउंड इवेसिव, एक्चुअली आई एम मोर वरिड अबाउट कि भाई लोगों के साथ क्या हो रहा है. मतलब आप देखो, मतलब इतने लोगों के बिचारों की, माय मदर इज 85, शी इज आल्सो इन माय हाउस करंटली, एंड सो या शी 85 इयर्स ओल्ड, शी इज ओके, शी इज यू नो इन अ सेपरेट एरिया, बट ऑल आई एम सेइंग इज के ये टाइम आ गया मायोपिक होने का नहीं, ये टाइम आ गया बहुत सारा सोचना है, दिमाग लगाना है कि भाई एक बार ह्यूमन बींग्स, ह्यूमैनिटी को, इफ ह्यूमैनिटी विंस ओवर दिस वायरस एंड आई हैव फुल फेथ इन द ह्यूमैनिटी, देन सब, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. Everything will fall. The new normal will get recalibrated. थोड़ी recalibration तो होगी हो. Post DC is during corona, BC is before corona, and AC is after corona.
life will. So I always tell my office that please give me everything, BC and AC. And there is a difference between all three in every aspect. So life to different hogi, lekin life wapas zarur aayegi. That's a very positive note, and I think we'll end it here. Sirf fun note par main end karna chahta hoon. Jaise aapne kaha, landlords ko rent forgo karna padega, producers ko film mein release karni padegi, government ko GST ka humko benefit dena padega, electricity ke charges abhi waive karte hai, kya karte hai. तो मेरा ऐसा ख्याल है कि बाकी सब तो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ द वेरियस स्टेट्स मेरे ख्याल से वो आपको ही कांटेक्ट करेंगे और आप जो कहेंगे वही होगा, क्योंकि जिसका सरनेम ही बिजली है उससे बढ़कर क्या हो सकता है. आई थॉट यू वर बीइंग सीरियस बट दैट्स गुड. थैंक यू अलजी, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. तो दोस्तों ये थे अजय बिजली साहब. जैसा इन्होंने कहा, बहुत मुश्किल दौर है, एंड बहुत अच्छी बात इनकी ये लगी कि वो अपनी कंपनी की या अपने सिनेमा चेन की कम सोच रहे हैं, ह्यूमैनिटी की ज्यादा सोच रहे हैं. पहले पब्लिक इस पैंडेमिक से बाहर निकल ले, सुरक्षित निकल ले, उसके बाद तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. दैट्स अ वेरी पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग. फ्रेंड्स, आपको ये हमारा इंटरव्यू अजय बिजली साहब के साथ कैसा लगा, कॉमेंट सेक्शन में जाकर अपने कॉमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा. And किस प्रकार के और भी आप इंटरव्यूज चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा. थैंक यू, शुक्रिया.